हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि ब्लॉग में। तो आज है अब चल रही है नवरात्रि। तो हमारा आज फर्स्ट नवरात्रा है अंजलि का। ये नवरात्रा में क्या क्या करती है, कैसे रहती है, तो आपको पूरी डिटेल देंगे हम वीडियो के जरिए। ठीक है, आप देखना हमारी वीडियो और एंड तक बने रहना। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस, आप देख सकते हो अंजलि ने माथा की चौकी लगा दी है। भाई सच्चे दिल से मानती है, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से माता को मानती है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, माँ की चौकी लगा रही है। सामान आएगा भी है जी? क्या पास से दिखाओ ना, क्या क्या और आएगा? वैसे छोटा सा मंदिर अपना, क्या क्या आएगा? अभी क्या आएगा और भी सामान। पागल मंदिर छोटा बड़ा देखा जाता, दिल देखा जाता है। सही है भाई, छोटा सा मंदिर पर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। ये औरतों का हथियार। तू गलत बोल रही है, औरतों का हथियार सिर्फ ये ही नहीं है, मुंह भी तो है। वो तो हमारा चुप नहीं होता। वीडियो बना रहे हो इस चीज की? वो जो चुप नहीं होता। अरे भाई, हम साफ दिल की। अच्छा इनसे ये पूछो, औरतें साफ दिल की होती है तभी तो वो इतनी बोलती है। जी तो हाँ, और आदमी गुन्ने होते हैं। ओ भाई साहब, मन ही मन में इतना कड़वापन रखते हैं, और औरतें ऐसी बेचारी भोली होती है, सब बोल देती है। सुन लिया? प्यार प्यार में सुन लिया? देख रहे हो, देख रहे हो ना? तो देख ही रहे, मैं झूठ तो ना बोल रही हूँ, सब बता देंगे। प्यारी भोली होती है, बहुत सीधी होती है, और आदमी होते हैं सातीर। ओ भाई साहब, जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी पति को बातें बता देती है। बीवी उसे भोलापन नहीं कहते। उसे क्या कहते हैं? भोलापन ही है वो। तो कुत्ते को खाना खिला चुकी है ये। अंजलि पूजा की तैयारी कर रही है भाइयों। अब तो अंजलि कहाँ तक पहुंचे? देखो भाई, ये जयकारा सेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय हो दोस्तों, पूजा मैंने कर ली है, और ये बैठे हैं कौन? पतिदेव। दोस्तों ये धोखा मत खाना कि इन्होंने मेरे से बड़ा टीका लगा रखा है। दरअसल इन्होंने मुंह भी नहीं धोया। नहीं धोया ना? सच्ची सच्ची बताओ, धोया आपने? अरे सब कुछ बताया। क्या? और देख के बता देंगे किसका समय करा। ज्यादा घमंड मत करो, ठीक है? गोरे रंग का देख लो, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल दिया ना? क्या बोला आपने? मैंने ये तो बोला है दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा तो तो गोरा कौन लग रहा है? मैं लग रही हूँ, देख लो। हाँ देख दे, वो बताएंगे कमेंट करके बताएंगे भाई कौन गोरा है, ये या मैं। ये लोग क्या बताएंगे, मैं बता देती हूँ भाई ये गोरे। उनसे बेसी और कराने से पहले खुद ही कर लो। कम बुरा लगेगा। मैंने आज नया सूट पहना है, खुद सिला है मैंने, बेकार सा सिला है। और मैंने थोड़ी डेकोरेट भी किया है आज अपना घर, देखो थोड़ा ये यहाँ पर ऐसे लगा दिए, थोड़ा सा डेकोरेट। वही है ना दोस्तों, किराए का घर है, कितना सजाए।
फिर ये भी डर रहता है कि खाली ना करना पड़ जाए, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो उसी से थोड़ा कम ही जितना हो सकता है बस ज़रूरत का सामान ही रखते हैं, ज़्यादा फालतू का रखते ही नहीं। भाई देखो अब हार्ट अटैक कितनी में आता है, तेरे कहाँ का हार्ट अटैक आता है? देखो नाम है उसका हार्ट अटैक, पर जरूरी तो नहीं, दिल हमारा कहीं से भी हो सकता है। कडिनी में भी हमारा दिल है भाई, एक इंसान दिल दिल देखता है भाई, दिल हर हम कहते हैं ना इसमें तो दिल ही नहीं है। अच्छा तो दिल होना चाहिए, हमारी बातों में दिल होना चाहिए, मतलब अच्छा दिल ओ, दिल ओ, से सोचने ओ, वाला दस, दस, दस। दिमाग में भी एक दिल होता है। ये फेक नॉलेज और नॉलेज मत दे। कैसे कर रही है करियो मेंटल कहीं की देख लो भाई, कैसी कैसी शरारतें करती है ये। मेरे दिल में दर्द उठ रहा है, तेरे दिल में दबा तो नहीं आ गया? दर्द की वजह से बाल बाल तो नहीं आ गया? बाल बाल क्या होता है? बाल जान दे, जो जैसे हार्ड को गोडों में बाल जाता है, पाँव में बाल जाता है। बाय बाय तन बोला तो बोला डैंग लो भाई। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? उल्टी जानकारी। उल्टी जानकारी गलत इन्फॉर्मेशन बोलते हो, उल्टी जानकारी। गलत जानकारी मैं बेस्टी मार रहे हैं। बेस्टी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही कर रहे हो आप। अच्छा एक बात बताओ, आपका तो हार्ट अटैक कभी आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना? मुंह में बाढ़ हो गए इतने। वैसे गुंडी शकल आ रही है, थोड़ी पीछे करो, डर जाएंगे वो। कौन? सामने वाले। ना डरे तो ना, अरे इतना कौन मुंह में बाढ़ आया कैमरा। हंसी की बात तू की, मैं मुंह ही ना खोलूं। अरे बहुत गुंडी शकल आ रही है, ऐसे थोड़ा जो पीछे करो तो अच्छी भी आती है। अब मानना कि अच्छे नहीं है, पर ये थोड़ी ना कि गुंडे बुरे हैं तो बुरा ही दिखाया जाए। आजकल फिल्टर चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, फायदा उठाना चाहिए ना लोगों को। कितना फिल्टर? वैसे एक बात सच बताओ, मैं इस वीडियो में कभी आती हूँ या ब्लॉग सुबह उठती हूँ, मैं कभी मेकअप करके आती हूँ? सिंपल ही तो आती हूँ मैं, जो शक्ल है भाई है, जो ऊपर वाले ने दी है। अपनी शक्ल पे गुरूर होना चाहिए हर किसी को ना दीदी, तो कैसी भी है ऊपर वाले ने दी है। ये तो मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आपने मेरी सीधे सीधे बेइज्जती की? अरे बेइज्जती कौन कर रहा है, इतने बनाओगे तो मत। अब तो चाहे कुछ भी है, शादी हो गई ना, ये बांध लिया, बांध कितनी गुस्सा जब बंद कर ही देना। बाबू बोल तो तेला, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बाबू को, भूख लग ली है? कुछ खाएगा? चाय। कुछ खाएगा? चाय पीऊंगा बस, चाय चाय पिएगा। दे रहे हो? हाँ मैं सुना, मैं बेबी, मैं बच्चा। हाय हाय बस, ज़्यादा मस्का मत लगाओ। गाइस मैं अब ना देखना मुझे, मैं बेहोश होने का नाटक करूँगा, और मेरी वाइफ मुझे कैसे उठाती है, मेरी हेल्प कैसे करती है। हनुमान जी लड़की में नहीं आते, ये आपको नहीं पता, वो बाल ब्रह्मचारी थे। पॉइंट नोट किया जाए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। और कुछ कहना चाहोगी हनुमान जी के बारे में? हनुमान जी इज द ग्रेट मैन, ऐसा इंसान, उनकी शिक्षा सबको लेनी चाहिए। अगर बीवी थोड़ा सा पैसे मांगे ना तो पूरी गड्डी देनी चाहिए, क्योंकि उनसे जड़ी बूटी मंगाए बार। तेरी कोई नहीं सुनता इस बार, मुंह में नहीं घुसना चाहिए क्या?
तो हनुमान जी को बोला गया था जड़ी बूटी लाने के लिए, पूरा पहाड़ ले आए थे समझे, तो उन्हीं की तरह लो ना सब मर्द लोग, सब सीखो ना उनसे कुछ क्या? कि अगर औरत एक सूट के पैसे मांगे तो 10 सूट के पैसे दिया करो। एक मिनट करी नहीं वो, मेरे को लगा नाक बह रही तेरी। नहीं तो बह रही है, आपकी बहती होगी, आपके जब सोते हो ना राल निकलती है मुंह में से। मिमी जी जाए जी मिमी जी बुलबुले बनते होंगे ना आप क्या करियो कैसे ऐसा सोते हो दोबारा ये कैमरे की तरफ देख के करो मुंह ऐसा खोल के सोते हो करियो नहीं बोल रहा करियो करके दिखाना अल्ले तो ये कितनी प्यारी लग रही मेरे वाइफ है ना, तो भाइयों आपसे यही बोलना है कि चेहरे पे ना जाए, ये सो नहीं रही, शाम को लड़ाई करने के लिए चार्ज हो रही है। शाम को देखना इसकी हरकत, अरे बहुत मासूम है वैसे, चार पाँच लग रही है, भूखी है, सो रही है, भूख में वैसे नमक तो नींद भी नहीं आएगी पर ये सो रही है। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:30 का, हम जा रहे हैं अब मैडम के लिए, पूजा क्या सामान लेगा ना, वो जो शाम का खाने का सामान बनेगा ना व्रत वाला, हाँ जी वो लेने जाएंगे। ठीक है हम वो लेके आते हैं, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, और क्या क्या लेंगे कैसे लेंगे तो हम आपको वहाँ दिखाते हैं वीडियो में, ठीक है ओके मिलते हैं आगे। अनिता क्या कर रही है, क्या कर रहे हो? चाय। वाओ फुल खाना है, कॉफी है, कॉफी कॉफी इतनी वाला। ये कमजोर, ये दिक्कत हो जाती है जब वाइफ कमजोर हो, भूख पूरी निकल नहीं रही। हंसो हंसो भाई, बाद में हंस लियो, चाय निकल गया तो हंसना भूल जाएगी। देखियो कैसे बना चला अपना, ये दोबारा मैच करता किसी जानवर के साथ, अपनी तरफ फ्रंट कैमरा ऑन करो, जानवर याद आ जाएगा। तो के लिए क्या लेके आए हो अंदर आप व्रत के लिए अपना, शाम को जो आप खाओगी? ये है कुट्टू का आटा। अच्छा जी, ठीक है व्रत वाला होता है ये। अच्छा जी, ये सामक चावल होता है। अच्छा जी, ये भी फास्ट के ही होता है। ये काली मिर्च का यूज करना है, इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च।
अच्छा जी। और एक ये फास्ट वाला नमक आता है सेंधा नमक, और रिफाइंड में बनेगा, सरसों का तेल नहीं यूज करना, या तो देसी घी या रिफाइंड में बनता है। और हरी मिर्ची और टमाटर का यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, प्याज लहसुन कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। आम की पूजा के लिए जो जलेगी तो उसी के लिए ये कड़सी हो रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज लो अभी ये हमारी पूजा हो चुकी है, तो अब हम खाना खा लेते हैं। मैं भी खाना खा लेती हूँ, ये भी खा लेते हैं, ये भी भूखे हैं मेरे साथ। तो पूजा हमारी हो चुकी है, तो अब हम खाना खा लेते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल के व्लॉग में।